राइट इसमें बॉडी का अलग मूवमेंट होता है जो आप में थोड़ा सा कम है, बट आपने ट्राई किया, वेरी गुड। शुभ टकराया बीच में एक बार, कोऑर्डिनेशन तुम लोग का खराब हो गया उस तरफ, वहाँ पे एक गलती हुई, थोड़ा बहुत बीच में इधर उधर था, बट आई एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। टेरेंस आप बहुत सीरियस हैं। No, no, I'm not serious at all. For me, a lot of things were pluses. आपका परफॉर्मेंस, आपका कोरियोग्राफी और आपका जो रोल जो आप निभा रही थी, मुझे बहुत ही लगा कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसको निभाया एंड यू आप घुस गए दोनों परफॉर्मेंस में एंड इट वॉज अ रियली एंजॉयबल परफॉर्मेंस बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच। मिथुन दा, आपको मजा आया कि नहीं? भाई ये बताओ तुम खाती क्या हो? मैं सब कुछ खाती हूँ। इतनी दुबली पतली, मतलब सुबह को तो ऐसे उठा रही जैसे कोई चाय कम पानी नहीं होता, ऐसे उठा रही दम दम। वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही ग्रेसफुली, एफर्टलेस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सर। गीता जी ने कहा कि तुम आए, वापस आए तुम, बहुत अच्छा लगा, लेकिन गीता जी को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उस दिन आपको एलिमिनेट इसलिए किया था, आपको भी जानना जरूरी है ना। मुझे डांस इंडिया डांस के डांसिंग स्टार में मुझे एक्ट भी चाहिए, मुझे कंटेम्पररी भी चाहिए, सालसा भी चाहिए, मुझे जैज भी चाहिए, बैले भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। डांस इंडिया डांस डांसिंग स्टार शुड हैव एवरीथिंग। मुझे तो लगता है सर वो हमारे चार जो बचे हैं उनको भी एक डोज मिलना चाहिए ताकि वो भी थोड़ा। यार तू बहुत ज्यादा डोज देता है यार, थैंक यू यार, टू मच मत, ठीक है। यू आर अ टेरिफिक टीचर, वी नो दैट, वेरी टफ टास्क मास्टर। गीता तो माँ बोल के ही तो रो पड़ती है, माँ। दादा मैंने रोना बंद कर दिया, मेरी माँ। दादा मुझे मत रुलाओ, दादा रोई हूँ मैं आपकी वजह से, दादा। ओ दादा आपने रुलाया मुझे, हर एपिसोड में रुलाया। अच्छा ठीक है, रुलाया है। अभी तो सब दामन में डाल दिया आप। दादा अभी ये दामन में आए नहीं, सबको डाल दिया, नहीं डाल दिया, तब मैं खुशी के आंसू रो। थैंक यू, आई वांट दैट, आई वांट इट, आई वांट इट, आई वांट दैट, आई वांट दैट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हम ये चाहते हैं कि आप बेहतरीन 12 में शामिल हो जाएं। थैंक यू सो मच। चांस पे डांस कर रहे सारे कंटेस्टेंट्स अपना जोर आजमा रहे हैं, लेकिन जिन 6 कंटेस्टेंट्स का जोर बेजोर होगा वो मास्टर्स के द्वारा सेकंड राउंड में सोलो परफॉर्म करने के लिए सेलेक्ट होंगे। लेकिन वो 6 कंटेस्टेंट्स कौन होंगे, पता करेंगे एक छोटे से डांस ब्रेक के बाद। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स जो आज चांस पे डांस कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 6 कंटेस्टेंट्स को मास्टर्स देंगे मौका सेकंड राउंड में परफॉर्म करने का, और तब हिंदुस्तान की जनता करेगी फैसला कौन 3 शामिल होंगे बेहतरीन 12 में। इसी दावेदारी को लेकर अब आ रहे हैं चांस पे डांस करने रेमो के रंगीले, भुवनेश्वर की लव गुरु जया विश्वास और इंडियन एयरफोर्स के जय जवान विजय। हाय, मैं हूँ विजय हैदराबाद। मैं ये मानता हूँ कि यू डोंट चूज डांस, डांस चूजेस यू। वरना एक एयरफोर्स ऑर्बिटल बादलों के बीच नाच रहा होता, चांस पे डांस नहीं कर रहा होता। हेलो इंडिया, मैं हूँ जयंती, उड़ीसा की रेडियो जॉकी। आप सोच रहे होंगे अब तो ये पकाएगी, मगर भाई लोग ऐसा नहीं है, ये खुद भी नाचेगी और आपको भी नचाएगी। कुछ कम रोशन है रोशनी, कुछ कम गीली है बारिशें, कुछ कम
रोशन है रोशनी कुछ कम गीली है बारिशें कुछ कम लहराती है हवा कुछ कम है दिल में ख्वाहिशें थमसा गया है ये वक्त ऐसे तेरे लिए ही ठहरा हो जैसे क्यों मेरी सांस भी कुछ फीकी सी है दूरियों से हुई नजदीकी सी है जाने क्या ये बात है हर सुबह अब रात है कुछ कम रोशन है रोशनी कुछ कम गीली है बारिशें थमसा गया है ये वक्त ऐसे तेरे लिए ही ठहरा हो जैसे जय आपकी नाराजगी थोड़ी सी कम हो गई हो तो हम बोले मुझे याद है आप बहुत नाराज थे जब आपको एलिमिनेट किया गया था हाँ आपने बहुत कुछ बोला टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा विद माय ओन विलिंगनेस एंड आई जस्ट वांट टू गिव अ डेफिनेशन ऑफ डांस डांस इज एन आर्ट इट्स नॉट लाइक अ टपोरी डांस और समथिंग लाइक दैट द पीपल कंटेस्टेंट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड वेयर नॉट अप टू द मार्क आई डेफिनेटली टेल They were not up to the market at all. Okay, ठीक है मतलब ना ऑडियंस को यही चाहिए कि जो भी मतलब एकदम ऐसे करेगा वो ही चाहिए क्या एंड आई एम ग्लैड कि आपको ये मौका मिला कि आप आके यहाँ पे अपना जलवा दिखाएं अपना हुनर दिखाएं एंड आपने काफी हद तक उसे दिखाया है जयंती जी काफ़ी जगहों पे आपने अपने टोस पॉइंट नहीं किए जहाँ कि इस डांस के लिए बहुत ज़रूरी है वो लिफ्ट्स में आपके जब आप डिसेंड करती थी यू गॉट डाउन वंस फ्रॉम अ लिफ्ट और वहाँ पे आपकी लैंडिंग क्लीन नहीं थी बट यू परफॉर्म्ड ओवरऑल आई लव द सॉन्ग एंड यू बोथ डिड वेरी वेरी वेल वेलकम बैक एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू मास्टर रेमो वेल डन गाइस काफ़ी डरे हुए थे आप भी और मैं भी करेक्ट रिहर्सल्स में बट वेल डन गाइस वेरी गुड थैंक यू एंड वेलकम बैक टेरेंस आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस ये गाने के लिए प्लस पॉइंट्स ये है कि इसमें आप बहुत सारा बैले और एक्सटेंशंस कर सकते हैं तो विजय आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि मुझे पता है कि आपने ऑडिशंस में क्या किया है पर मुझे पता है कि किस वजह से आप थोड़ा डर डर के परफॉर्म किया नॉट बिकॉज यू आर अंडर कॉन्फिडेंट क्योंकि आपने वो जैज शूज पहने हैं ना वेरी स्लिपरी एंड इट इज डैम स्लिपरी ओके एंड आई डिडंट सी द विजय इन द ऑडिशंस यू नो द कोरियोग्राफी वाज वेरी नाइस जयंती आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट आई रियली डू सो ऑल इन ऑन इट वॉज अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस ओके थैंक यू फॉर बींग हियर एंड डूइंग अ परफॉर्मेंस मिथुन दा आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा लगा लेकिन उससे पहले दो सवाल पूछूंगा विजय जी अब इतने गुस्से में क्यों थे ये खाली वो क्यों गुस्सा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि आई वाज यू आर टेरिफिक आई वाज यस आई कुड डेफिनेटली टेल यू आई एम सॉरी टू टेल दिस लेकिन मैं यहां पे जितने नौ है अभी आई विल टेल यू आई विल बेट यू कि मैं इनसे अच्छा करूंगा एंड आई नो दैट करूंगा वो जो आपने अभी डायलॉग मारा वो नहीं लगा कि आपने उसको उस दिन भी आपने खाली बोला था नहीं माना